बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान पर भाजपा भले ही डैमेज कंट्रोल में जुट गई हो, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने का मौका नहीं छोड़ा। विपक्षी नेता अब उनके इस बयान पर खूब रिएक्शंस दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कंगना के बयान के बाद उन्हें बिना नाम लिए घेरा है। राहुल गांधी ने कहा, किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों को अपमान करने में लगा हुआ है। राहुल ने एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा ये जानने से पहले आपको कंगना के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसके चलते भाजपा की मुश्किल बढ़ चुकी है। एक अखबार को इंटरव्यू में कंगना ने कहा था, पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार और हत्याएं हो रही थी। रनौत के इस साक्षात्कार में उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। कंगना के इस बयान के बाद किसान नेताओं से लेकर खुद भाजपा नेताओं ने भी उन्हें नसीहत दे डाली है कि ऐसे बयान ना दें। अब इस बयान पर राहुल गांधी लिखते हैं कि किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम मोदी सरकार का दुष्प्रचार तंत्र लगातार किसानों का अपमान करने में लगा हुआ है। 378 दिन चले मैराथन संघर्ष के दौरान 700 साथियों का बलिदान देने वाले किसानों को भाजपा सांसद द्वारा बलात्कारी और विदेशी ताकतों का नुमाइंदा कहना भाजपा की किसान विरोधी नीति और नियत का एक सबूत है। ये शर्मनाक किसान विरोधी बोल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे देश के किसानों का घोर अपमान है जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसान आंदोलन वापस लेते वक्त बनी सरकारी समिति आज भी ठंडे बस्ते में है। एमएसपी पर सरकार अपना रुख आज तक साफ नहीं कर सकी। शहीद किसानों के परिवार वालों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है। अन्नदाताओं का निराधार और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर ले, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। राहुल गांधी ने इस पोस्ट में कंगना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन भाजपा को जमकर निशाने पर जरूर लिया है। जबकि सोमवार को कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि अगर भाजपा अपनी सांसद की टिप्पणियों से असहमत है तो उन्हें पार्टी से बाहर करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी का ये पोस्ट शेयर किया और कहा कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरी संसद में किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी की अपमानजनक संज्ञा दी थी। यहाँ तक कि संसद ने शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखने से भी इनकार कर दिया। मोदी जी ने एमएसपी पर कमेटी और किसान की आय दोगुनी करने का झूठा वादा भी किया था। जब मोदी जी ये सब खुद कर सकते हैं तो उनके समर्थकों से शहीद किसानों के अपमान के सिवा देश और क्या उम्मीद रख सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कंगना के इस बयान पर पलटवार कर कहा कि 13 माह चले किसान आंदोलन में 400 किसान संगठन, लाखों किसानों की मौजूदगी के बावजूद हिंसा नहीं हुई। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन किसानों ने संयम नहीं खोया, बिल वापस हुए। उसके बारे में भाजपा सांसद कंगना रनौत का बयान शहीद किसानों और देश के करोड़ों किसानों का अपमान है। बता दें कि कंगना के बयान से भाजपा पूरी तरह किनारा कर चुकी है। माना जा रहा है कि भाजपा अब डैमेज कंट्रोल में लग गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।